The actual question paper contained 30 questions in duration of test paper of 40 minutes. ये आप क्लास फोर्थ सिल्वर जोन ओलंपियाड के सैंपल पेपर इंग्लिश लैंग्वेज से देख रहे हैं. चलिए इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहला क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सुभाष चंद्र बोस वाज बॉर्न इन 23 जनवरी 1897 एट चटक इन उड़ीसा. सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के चटक में हुआ था. ही वॉज सिक्स्थ सन ऑफ जानकी नाथ एंड प्रभावती बोस. ये अपने माता पिता के इनकी पिता का नाम जानकी नाथ और माता का नाम प्रभावती बोस के सिक्स्थवें पुत्र थे. ही पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट अलोंग विद देश बंधु सी आर दास. इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में देश बंधु सी आर के साथ पार्टिसिपेट किया था. ही वॉज थ्रोन इन टू जेल बट डेट ओनली मेड हिम मोर डिटरमाइंड. वो इस सिलसिले में जेल भी गए थे और इसके चलते उनकी जो है जिद और ज़्यादा तेज हो गई थी. सुभाष ज्वाइन द कांग्रेस पार्टी एंड रोज टू इट प्रेसिडेंटशिप ऑफ 1938. सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और प्रेसिडेंटशिप 1938 में इन्होंने इन्हें मिला था. ए पोस्ट ही हेल्ड टू ईयर्स इन 1939. दो वर्षों तक इन्होंने इस पोस्ट पर काम किया था. When the Second World War started, Gandhi ji and other leaders were against doing anything anti-British. Second World War के बाद Gandhi ji और other leaders जो हैं British के anti थे. But Subhash Chandra Bose thought differently. बस Subhash Chandra Bose की सोच अलग थी. He knew, for instance, that the fall of the Roman Empire had led to the freedom of its colonies. इनका मानना था कि रोमन एम्पायर अब फेल हो चुकी है. सो ही डिसाइडेड टू सीक फॉरेन हेल्प फॉर हिज काउज ऑफ फ्रीडम इंडिया फ्री इंडिया. इसीलिए वो उन्होंने डिसाइड किया कि फॉरेन से हेल्प लेकर इंडिया को स्वतंत्र किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन इन विच स्टेट सुभाष चंद्र बोस वाज बॉर्न. सुभाष चंद्र बोस का जन्म कौन से स्टेट में हुआ था. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा. हाय गाइस आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम. यहां पर मैं सिल्वर जोन ओलंपियाड्स के डिफरेंट क्लास के डिफरेंट सब्जेक्ट के सैंपल पेपर एंड सिलेबस लेकर आ रही हूँ. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए. इस पर इसी प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलेंगे. क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले चलिए इसके हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं. क्लास फोर्थ में इंग्लिश के सिलेबस क्या है. पहला टॉपिक हो जाता है सिलेबस में हमारा करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर से हमारा आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्टिकल यूज ऑफ पोजेसिव टेंस एरर फाइंडिंग. नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 10 हो जाते हैं पर मार्क्स 3. सो इस प्रकार टोटल मार्क्स 30. वोकैबुलरी नॉलेज जिसमें जंबल वर्ड साइनोमियम्स एंटोनियम्स वन वर्ड सब सिचुएशन एंड स्पेलिंग टेस्ट. इससे 8 क्वेश्चंस रहते हैं मार्क्स 3 टोटल 24. रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन इससे 3 क्वेश्चंस रहते हैं टोटल मार्क्स 9 हो जाते हैं. नेक्स्ट है राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन इसके राइटिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटी जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जंबल सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस जिससे 4 क्वेश्चंस रहते हैं एंड टोटल मार्क्स 3. सो इस प्रकार 12 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं. एक्सेलेंस जोन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें कि जो हमारा ये सिलेबस है उससे रिलेटेड ही हायर थिंकिंग ऑर्डर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे 5 क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स 25. इस प्रकार टोटल क्वेश्चन 30 रहते हैं एंड टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं. टाइम ड्यूरेशन जो है हमारा 40 मिनट्स का रहते हैं. तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नंबर 2 हु वाज सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस कौन थे. ए अ फ्रीडम फाइटर बी अ पॉलिटिशियन सी अ सिविल सर्वेंट या डी अ सोशल वर्कर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अ फ्रीडम फाइटर जो हमने ऊपर अभी रीडिंग किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन है. क्वेश्चन 3 इज द बेस्ट ऑफ एनालॉजी. एनालॉजी मीन्स अपोजिट वर्ड.
कोर्ट जस्टिस, कोर्ट में जस्टिस का काम होता है, तो स्कूल के साथ कौन सा होगा, अ टीचर, स्टूडेंट, इग्नोरेंस या एजुकेशन। स्कूल में एजुकेशन का काम होता है, सो करेक्ट आंसर ये जिस प्रकार हमारा मैच हो रहा है उसी प्रकार स्कूल का इस प्रकार हो सकता है, सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, will again apology never he I hear if he not invite। डायरेक्शन क्या दे रहा है सेंटेंस के लिए, अरेंज द जंबल वर्ड ऑफ मेकिंग मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी अलग अलग वर्ड को जंबल किया गया, इसको सही तरीके से लिखकर इसका हमें आंसर बताना है। तो ए है ही, if he doesn't apologize I will invite him never here again। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन डी। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इफ ही डजंट अपॉलिज, यदि वह माफी नहीं मांगता है, आई विल नेवर इनवाइट हिम हियर अगेन, मैं उसे दोबारा यहां आमंत्रित नहीं करूंगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पहले हम रीड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, identity the kind of pronoun and underlined word has the watch kept on the table in yours। तुम्हारा watch जो है table पर रखा है। yours शब्द के लिए यहाँ पर हमें pronoun बताना है कि कौन सा pronoun yours में होता है। A possessive pronoun, B demonstrative pronoun, C relaxive pronoun या D interrogative pronoun। Correct answer है option A possessive pronoun। Next question number 6, in question 6 fill in the blanks with suitable suitable pronoun, suitable preposition, suitable preposition हमें इसमें fill करना है। She has been dancing dash 3 hours, A 2 B 4 C at D 4 from। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4, सी हैज बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से नाच रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन जॉइन द टू गिवन सेंटेंसेस करेक्टली। दो सेंटेंस दिया गया, इसको सही तरीके से कैसे लिखा जाए ये हमें बताना है। द बॉय वर अनहैप्पी विथ देयर रिजल्ट, लड़के अपने रिजल्ट से अपने नतीजों से नाखुश थे। The girls were also unhappy with theirs, और girls भी अपने रिजल्टों से खुश नहीं थी या ना खुश थी, और लड़के भी अपने रिजल्ट से ना खुश थे। तो इसको दोनों सेंटेंस को जोड़ कर किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो ए neither the boy nor the girls were happy with their results, B both boys girls are unhappy about the result, C boys and girls were unhappy with the results, yet D all of these। Correct answer है option A, neither the boy nor the girls were happy with their results, ना लड़के और ना ही लड़कियां अपने result से खुश थी, ना खुश थी अपने result से ना खुश थी। चलिए next question number 8, डायरेक्शन इन क्वेश्चन 8, अ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस इज गिवन, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि क्लास 7th के PT2 के क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट वीडियो में डाले हैं, अगर आप देखना चाहें तो उसे एक बार अवश्य वॉच करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ही विल हैव रिच हेयर, इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा। ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। A he will have rich there, reaching there, B he will have riches there, C he will have reached there and D all of these। Correct answer हो जाता है option C, he will have reached there, वह वहां पहुंच चुका होगा। Next question number 9, direction
क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स विद कैरेक्टर फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का कैरेक्टर फॉर्म हमें भरना है. सी डैश फर्स्ट इन द क्लास लास्ट ईयर, ए स्टैंड, बी स्टूड, सी विल स्टैंड, डी ऑल ऑफ दिस. लास्ट ईयर कह रहा है तो लास्ट ईयर में हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो स्टैंड का स्टूड हो जाएगा. सी स्टूड फर्स्ट इन क्लास लास्ट ईयर, वह पिछले वर्ष कक्षा में प्रथम स्थान पर रही थी. सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में जो पैराग्राफ है, गिवन द सेंटेंस जंबल फ्रॉम री अरेंज द मेक ऑफ मीनिंगफुल पैराग्राफ. इस पैराग्राफ को मीनिंगफुल रूप से अरेंज करना है तो चलिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी. पहले नंबर पे 2 है, फिर दूसरे नंबर पे 1 है, फिर उसके बाद हमारा 3 आता है और फिर 4 आता है. चलिए इसको हम समझ लेते हैं. पहला है हमारा द लैंग्वेज, नंबर 2 है इंग्लिश इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड. इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर बोला जाता है. इन इंडिया इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लॉर्ड बेनेडिक्ट. इंडिया में इसे लॉर्ड बेनेडिक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था एंड वॉज सपोर्ट बाई मेनी एमिनेंट पर्सनैलिटीज एंड सोशल रिफॉर्मर. और इसे बहुत सारे एमिनेंट पर्सनैलिटी एंड सोशल रिफॉर्मर ने सपोर्ट किया था. नेक्स्ट नंबर 2 होता है द लैंग्वेज हैज बीन द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द यूनिफिशिएंट यूनिफिशिएंट ऑफ आवर कंट्री. टूडे इट हैज बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी. ही इज गवर्नमेंट, मीडिया एंड एजुकेशन. लैंग्वेज जो है इंडिविजुअली पूरे कंट्री में इसको बहुत ज़्यादा इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन होता है. टुडे आज के समय में यह हर एक सोसाइटी, चाहे गवर्नमेंट हो, मीडिया, एजुकेशन, उसके लिए महत्वपूर्ण हो चुका है. नेक्स्ट हो जाता है नंबर सी. इट इज़ द टॉप द पब्लिक एज वेल एज द गवर्नमेंट स्कूल. इंग्लिश इज द मस्ट फॉर द इंडियन एस्पायरिंग फॉर द हायर एजुकेशन और सीकिंग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी. इसे पब्लिक में, चाहे वह गवर्नमेंट स्कूल हो, सभी में इंग्लिश को पढ़ाया जाता है इंडिया में. और इंडिया में हायर एजुकेशन में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है. इट इज़ द वेरी मच अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन अर्बन सोसाइटी. अर्बन सोसाइटी में कम्युनिकेशन करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है. एंड थॉट सम पीपल इन इंडिया आर अगेंस्ट द यूजेज ऑफ इंग्लिश. और बहुत सारे लोग इंडिया में इसके विरुद्ध हैं. एट इट इज़ कंसीडर एज ए पासपोर्ट फॉर द सिक्योर फ्यूचर. फिर भी इसे इंग्लिश को एक पासपोर्ट, सिक्योर फ्यूचर के लिए एक पासपोर्ट के रूप में देखा जाता है. सो इस प्रकार ये आंसर हो गया. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर कुछ भी आपको डाउट हो रहा है या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में हमें लिखकर अवश्य पूछें. आज के लिए इतना ही. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखिए. थैंक यू.